दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमारे इन वीडियोस को इतना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करते हैं, इतने सारे कमेंट्स करते हैं, इतने सारे लाइक्स करते हैं, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारा अभी रिसेंटली नया चैनल है, लेकिन हम लोग पूरे तरीके से दोस्तों कंसिस्टेंट अपने इस चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम लोग अपना होलसेल, रिटेल और आपको सिंगल सिंगल पीसेस की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं, मार्केट प्लेस के बारे में आपको देते रहते हैं। दोस्तों हमसे बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल को देखने के बाद में वो अपना रिटेल का शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि सर हमको ये बताइए कि क्या हम लोग को जो अपनी शॉप है वो मॉल के अंदर ओपन करना चाहिए या फिर हमको जो है मार्केट के अंदर ओपन करना चाहिए। ये सबसे बड़ा उनके अंदर क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि मॉल में शॉप खोलना चाहिए या नहीं चाहिए। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उससे एंड ऑफ द वीडियो में आपको डिसाइड खुद कर लेंगे कि वाकई में क्या सही डिसीजन और क्या गलत डिसीजन। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। उसके पहले दोस्तों अगर आपकी मेंस वेयर की होलसेल की शॉप है तो दोस्तों आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पूरा मेंस वेयर का होलसेल का काम है। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से क्लिक करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। नंबर वन आता है दोस्तों हाई इन्वेस्टमेंट वर्सेस लो इन्वेस्टमेंट। देखिए मॉल में दोस्तों अगर आपको अपनी रिटेल की शॉप ओपन करनी है ना, तो मान करके चलिए कम से कम 10 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिए, और फिर 15 से 20 लाख रुपए भी हो सकते हैं। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले हाई रेंट उसका आएगा, शॉप बड़ी होती है क्योंकि मॉल के अंदर बेसिकली जो शॉप होती है वो आपको 800, 1000, 1200 स्क्वायर फुट की होती है, तो उतना आपको पहले इंटीरियर भी करना पड़ेगा। और मॉल में अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट जो है इंटीरियर के ऊपर करना रहेगा, तभी जाकर कस्टमर अंदर आएंगे। साथ में आपको स्टॉक के ऊपर भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको मॉल के अंदर जो है उनका मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपका जो रेंट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ आपको 50,000 रुपये तो मिनिमम होता है, और मैक्सिमम आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, डिपेंड करता है उस मॉल के ऊपर। तो ये आप देखिए कि क्या आपकी इतनी कैपेसिटी है करने की, और उसके बाद में भी उसकी कितनी सेल आएगी ये कोई इसकी गारंटी नहीं है। यही चीज़ अगर आप मार्केट में ओपन करते हैं तो मार्केट में आपका बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका बजट है। अगर आपका बजट 5 लाख रुपये का है तो 5 लाख के अंदर भी आप अपने स्टोर को ओपन कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रिफर करते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, पहले अपना बजट देखिएगा, उसके बाद में जाकर के डिसाइड करिएगा। सेकंड नंबर का दोस्तों आता है हाई फुटफॉल बट लो कन्वर्जन। दोस्तों अगर आप मॉल के अंदर ओपन करते हैं तो आपको फुटफॉल हो सकता है कि बहुत अच्छा मिले, हो सकता है आपको शाम का अच्छा कस्टमर मिले, दोपहर को भी अच्छा कस्टमर मिले, लेकिन कन्वर्जन रेशियो उसका कितना होगा ये कोई नहीं बता सकता है। उसका कारण ये है कि मॉल के अंदर मैक्सिमम क्राउड घूमने वाला आता है, या अगर मान लीजिए मूवी हॉल है, थिएटर है, तो वहाँ पे मूवी देखने के लिए आते हैं। तो ये आपको देखना है कि बहुत सारे कस्टमर केवल नॉर्मल अच्छा लग रहा है, डिस्प्ले लगाया है तो आपके अंदर लेकर जाएंगे, लेकिन वही चीज़ अगर आप मार्केट में करते हैं तो कस्टमर मार्केट के हिसाब से, शॉपिंग करने के हिसाब से मार्केट के अंदर निकलता है और तभी जा करके वो स्टॉक लेता है। तो ये आपको ये देखना है दोस्तों कि आपका क्या मार्केट के अंदर अगर आप ओपन करते हैं वैसी मार्केट चूज करिए जहां पे कस्टमर का फुटफॉल उस हिसाब से हो। अगर आप लेडीज वेयर का काम कर रहे हो तो लेडीज वेयर का मार्केट अलग होता है, मेंस वेयर का मार्केट अलग होता है। थर्ड नंबर का दोस्तों आता है मंडे टू फ्राइडे लो ट्रैफिक। सबसे मेन चीज़ आता है कि आपको अगर मंडे को, अगर मंडे से लेकर फ्राइडे को लो ट्रैफिक रहता है आपको मॉल के अंदर, इसका कारण यह है कि वर्किंग लोग जो है वो जनरली नहीं आना प्रेफर करते हैं। सैटरडे संडे को सबसे ज़्यादा कन्वर्जन होता है आपका, अच्छा सेल भी होता है, लेकिन फुटफॉल भी उसी हिसाब से लगेगा और घूमने वाले कस्टमर भी उसी हिसाब से रहेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप मार्केट में अगर आप करते हैं तो आपको हो सकता है कम कस्टमर आपको आए, लेकिन लेने वाले ज़्यादा कस्टमर आएंगे। 10 में से समझ लीजिए आपकी 50-60% आपका कन्वर्जन रेशियो हो जाएगा मार्केट के अंदर, लेकिन मॉल की इसमें कोई गारंटी नहीं है। मॉल में लोग केवल घूमने के लिए आते हैं, और हो सकता है कि अगर मॉल अच्छा हो तो कन्वर्ट भी हो जाए इसमें। फोर्थ नंबर का दोस्तों आता है हाई रेंट एंड मेंटेनेंस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वहाँ पे मेंटेनेंस इतना ज़्यादा होता है,
और इसका रेंट इतना ज़्यादा होता है कि आप देखिए, मैं एक छोटा सा एक सिनेरियो बताता हूँ। मान लीजिए आपका दोस्तों रेंट वहाँ पे 1 लाख रुपए मिनिमम हम बात करें, 1 लाख रुपए रेंट है। आप 3 से 4 स्टाफ रखेंगे तो मिनिमम अगर आप 10,000 रुपये भी सैलरी रखेंगे तो ऊपर भी 50,000 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी, 1.5 लाख हो गया। इस उसके बाद में मॉल का मेंटेनेंस भी आपको पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ेगा, तो वो कम से कम 15,000 से 20,000 रुपये आता है। उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आती रहेगी शॉप के अंदर, वो मेंटेनेंस भी कम से कम आपको 1.5 से लेकर 2 लाख रुपये तक आपको खर्चा पड़ जाता है। और मैनेजर अगर रखते हैं तो उसकी भी सैलरी उसकी अलग से होगी, तो ये सारा मिला करके लगभग 2 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाता है। तो आपको सेल कितनी करनी है, हिसाब से 8 लाख से 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए सेल करनी होगी। इसका मतलब पर डे 30,000 से लेकर 40,000 रुपए आपको सेल करेंगे तब जाकर के आप खर्चों को मीट कर पाएंगे। तो पहले आपको ये देखना है कि क्या आप उन खर्चों को निकाल सकते हैं, इतनी सेल आप कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। 5th नंबर का दोस्तों आता है मिक्स कस्टमर। दोस्तों यहाँ पे मॉल के अंदर सारे के सारे मिक्स कस्टमर आते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं होता है किड्स का लेने वाला है, मेंस का लेने वाला है या लेडीज़ का लेने वाला है। जो भी कस्टमर आएंगे वो एक तरह घूमने के लिए भी आ सकते हैं, शॉपिंग के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर मार्केट में ओपन करेंगे तो मार्केट में वहाँ पे फिक्स कस्टमर रहता है कि मुझे लेडीज़ वेयर करना है तो लेडीज़ वेयर की अलग मार्केट, जेंट्स का करना है तो मेंस वेयर का अलग मार्केट। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब मेरे इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि अगर दोस्तों आप मॉल के अंदर ओपन करते हैं तो मॉल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहेगा और वहाँ पे कोई भी सक्सेस का चांस है इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि घूमने वाले कस्टमर ज़्यादा आते हैं मॉल। इसीलिए देखिए जो बड़े बड़े ब्रांड है ना वही केवल आपको मॉल के अंदर दिखेंगे, जो आपको लोकल जो खुद के ब्रांड का स्टोर डाल रहे हैं मतलब खुद के नाम से डाल रहे हैं वो आपको कम मिलेंगे। उसका कारण यही होता है कि उनका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा होता है और प्लस फुटफॉल में कन्वर्जन भी नहीं मिल पाता है। तो ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर सिटी का स्टेट का अलग अलग जो है मॉल होता है, अलग अलग जो है वहाँ पर फुटफॉल होता है, तो ये आपको टोटली डिसाइड करना है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। दोस्तों अगर आपको मेंस वेयर का होलसेल का अगर स्टॉक चाहिए ना तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपको अपने शॉप के लिए अगर हैंगर की रिक्वायरमेंट होगी, ब्रांडेड हैंगर की रिक्वायरमेंट होगी, एम्ब्रोज्ड हैंगर की, जो आपका मान लीजिए कि आपका जो भी ब्रांड का नाम है फॉर एग्जाम्पल रेगनेंट है, तो हम आपको एम्ब्रोज्ड करके भी रेगनेंट नाम से या फिर जो भी आपका ब्रांड है उस नाम से भी हम आपको पूरा हैंगर बना करके दे देंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी आती है, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है हैंगर के अंदर, और भी बहुत सारे गिफ्ट आइटम बनाते रहते हैं। आप वीडियो के जाए वीडियो में जाएंगे ना तो अलग अलग हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने कस्टमर को भी अगर देना चाहते होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके नॉलेजेबल रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके से हम लोग पढ़ नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते रहें। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।